सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। बहुत दिन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही एसस ने मोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। जब एसस ने लॉन्च कर दिया था एसस जेन फोन, काफी अच्छा फोन है, अभी भी चर्चे में है। इतना ही नहीं, एसस ने लॉन्च किया था और एक अच्छा फोन जो है एसस जेन फोन 5G। तो अभी एक नया प्राइस सेगमेंट के साथ दो नया फोन आज भारत में लॉन्च कर दिया है एसस ने, यह भी काफी अच्छे से बिकेगा। और ये दो फोन है एसस जेन फोन लाइट L1 और दूसरा एसस जेन फोन मैक्स M1। आज इस वीडियो में इस दोनों फोन का फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, एक कंपैरिजन, क्या आपको L1 में मिलता है, क्या आपको M1 में मिलता है और क्या आपको लाइट L1 में नहीं मिलता है, ये सभी चीजों के बारे में आज का ये वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी महाअष्टमी। तो भाई ये जो एसस ने आज लॉन्च कर दिया भारत में बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ दो फोन, जेन फोन लाइट L1, जेन फोन मैक्स M1, ये दोनों ही फोन मैं खरीदूंगा और इसका आपको अनबॉक्सिंग भी दे दूंगा। अब इस दोनों फोन का प्राइस, इसका जो अभी के लिए प्राइस रखा गया है यानी जो स्टार्टिंग सेल प्राइस है, जेन फोन लाइट L1 का प्राइस रखा गया है 5,999 और मैक्स M1 का प्राइस रखा गया है 7,499 रुपीज। ये जो प्राइस है ये काफी अच्छा है, काफी फोनों को ये कंपीट भी कर सकता है। तो चलिए अब जेन फोन लाइट L1, लाइट मतलब कुछ आपको कम मिलेगा, मैक्स M1 कुछ आपको ज्यादा मिलेगा। और जेन फोन के हर एक फोन में मैक्स सीरीज के साथ बहुत ही अच्छा मिलता है ज्यादा, खास करके बैटरी। अब जेन फोन लाइट L1 और जेन फोन मैक्स M1 दोनों में ही आपको 5.45 इंचेस का फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। हां ये HD प्लस डिस्प्ले है और इसमें आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलेगा, पर जो आपको मैक्स M1 में मिलेगा 2.5D कप ग्लास, ये आपको लाइट L1 में नहीं मिलेगा। प्राइस तो भी देखिए। अब चलिए दूसरा, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, दोनों का ही डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी सेम है, दोनों में ही आपको प्लास्टिक बॉडी डिजाइन मिलेगा। यहां पे यूज किया गया है प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट, साथ में आपको मेटालिक फिनिश देखने को मिलेगा, पर आपको जो L1 में नहीं मिलेगा वो मैक्स M1 में मिलेगा जो है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो आपको मैक्स M1 में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, L1 में नहीं मिलता है, पर L1 में आपको फेस अनलॉक मिलता है और मैक्स M1 में भी आपको फेस अनलॉक मिलता है। और आपको यहां पे पीछे में कैमरा मिलता है सिंगल और एक LED फ्लैश। पीछे का साइड आपको दो स्पीकर मिलता है, पर एक जो है वह है माइक्रोफोन, दूसरा है लाउड स्पीकर और आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी मिलता है। बात करते हैं रैम एंड रोम, आपको जेन फोन लाइट L1 में मिलता है 2GB का रैम और 16GB रोम। आपको यहां पे अलग से डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड मिल जाएगा यानी आप एट ए टाइम दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हो। आपको मैक्स M1 में देखने को मिल जाएगा 3GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, इसमें भी आपको एक अलग से माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा यानी आप एट ए टाइम दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हो। दोनों ही फोन 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है और हां नेटिव वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट भी आपको यहां पे मिल जाएगा और जियो का ऑफर इसके साथ एडिशनल आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस की, दोनों फोन का ही परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। दोनों ही फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर मिल जाएगा जो क्वाड कोर बेस्ड नहीं, जो ऑक्टा कोर बेस्ड है और आपको 425 में जो मिलता है उससे ज्यादा आपको यहां पे मिलेगा। मैं रेडमी 5A का बात कर रहा हूं जो देश का स्मार्टफोन है, गजब का फोन है। और ये जो 430 है ये एक बैलेंस्ड प्रोसेसर है, ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, तो आपको चाहे वो बैटरी या गेमिंग या आप काफी ज्यादा एप्स अगर यूज कर रहे हो बैकग्राउंड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी मैं आपको मेरे चैनल पर बहुत जल्द दे दूंगा। अब कैमराज, आपको दोनों ही फोन में सेम कैमराज मिलता है पीछे में
जिन फोन लाइट L1 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ और एक सिंगल LED फ्लैश मिलता है, और आपको जिन फोन मैक्स M1 में मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और वही सिंगल फ्लैश F2.2 अपर्चर के साथ। दोनों फोन में आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, दोनों फोन में आपको HDR मोड मिल जाएगा, टाइम लैप्स मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मोड मिल जाएगा और नाइट मोड मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही फोन पिक्सल मास्टर के साथ आ रहा है। आप जानते हो पिक्सल मास्टर कितना भाई फेमस है इसके कैमरा के लिए, कैमरा क्वालिटी के लिए, क्योंकि यहां पर जो इमेज का प्रोसेसिंग है वो काफी अच्छा है। अब मैं बात करूंगा फ्रंट कैमरा की। L1 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में एक डेडिकेटेड LED फ्लैश लाइट। आपको मैक्स M1 में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में डेडिकेटेड LED फ्लैश लाइट, पर आपको यहां पे पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। दोनों ही फोन में फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम रहोगे। अब मैं यहां पर बात करूंगा बैटरी की। आपको जिन फोन लाइट L1 में मिलता है 3000mAh का बैटरी, 5.45 इंच का डिस्प्ले है और HD प्लस डिस्प्ले है, 430 प्रोसेसर है उसके साथ 3000mAh बैटरी, आप भी ये उम्मीद लगा सकते हो कितना अच्छा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। साथ में जेनफोन मैक्स M1 में आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगा, यानी 4000mAh की, तो ये भी काफी अच्छा है। पर यहां पे एडिशनल जो फीचर्स हैं वो है रिवर्स चार्जिंग, आप आपके फोन को पावर बैंक किस तरह ही यूज कर सकोगे, यानी आपके फोन को यूज करके आप दूसरे गैजेट्स पे या दूसरे फोन में आप चार्ज कर सकोगे। पूरे फोन में आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड ओरियो 1.1 मिलता है, साथ में जेनफोन UI 5 मिलता है जो आपको जेनफोन 5G में मिलता है। आपको मैक्स M1 में मिलता है डुअल एप्स का सपोर्ट और आपको एप्स लॉक भी मिल जाएगा और फेस अनलॉक भी दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छा होगा इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वहां पे थीम आपको मिलेगा, आपको वॉलपेपर मिलेगा, टॉन्स ऑफ थीम्स आपको मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन आप कर सकोगे, तो काफी अच्छा होगा। ब्लोटर भी इन दोनों फोन में नहीं होगा, सिर्फ फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम बस। तो ये था इस दोनों फोन का साइड बाय साइड एक कंपैरिजन। अब जब ये फोन मैं खरीदूंगा आपको एक वर्चुअल कंपैरिजन भी दे दूंगा, तो मैं आपको यह कह सकता हूं 5 से 8 हजार के बीच में आप एहसास कैप्चर कर सकता है इस दोनों फोन के साथ। मुझे पर्सनली अच्छा लगा जेनफोन लाइट, क्योंकि ये जो फोन है ये Redmi 6A, Redmi 5A और Lenovo A5 को भी कंपीट कर सकता है। काफी अच्छा लगा ये दो फोन। आपको कैसा लगा एहसास का ये नया दो प्रयास? अगर आपको अच्छा लगा है, आप इन दोनों फोन में कौन सा लेना चाहते हो जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। और एक बात, ये दो फोन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे और एक नया बड़ा सेल आने वाला है जो फेस्टिव धमाका सेल होगा, और इसी सेल के द्वारा आपको मिल जाएगा ये दो फोन। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर हां तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में मुझे सपोर्ट दीजिएगा।